हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको भिंडी मसाला बनाना सिखाएंगे। आइए देखते हैं। हमने एक कढ़ाई लिया है, उसमें हमने ऑयल डाला है। ये अराउंड 50 ग्राम ऑयल है, इसे हमने डाला है। और उसके बाद ये देखिए, हमने भिंडी कट करके रख लिया है, भिंडी कट करके, प्याज कट करके रखा है और मिर्च, हरी मिर्च कट करके रखा है। ये तकरीबन आधा केजी भिंडी है और प्याज, यहाँ हमें तीन बड़ा प्याज काटना है। यहाँ पे दो कटे हैं मगर एक और मैंने अलग से काट के रखा। ये तेल में अब हमने भिंडी डाला है, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। सभी भिंडी हम डाल देंगे, इसे हम फ्राई करेंगे। ये फ्राई हमें गोल्डन ब्राउन टाइप के कलर के करने हैं। ये जब बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और ये देखिएगा कि कुछ देर फ्राई करने के बाद ये इसका कलर चेंज हो रहा है। अब ये फ्राई हो गया है अच्छी तरह से, हल्का सा, और हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद अलग से निकाल कर इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। इसका तेल भी निकल जाएगा जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा, और बाकी बचे हुए ऑयल को हम यूज करेंगे आगे का इसका मसाला बनाने के लिए। इसमें जनरल मसाले की जरूरत। देखिए, अभी हम निकाल लेते हैं भिंडी, जो हमारा फ्राई हो गया है। सभी भिंडी को हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो ऑयल बचा रहेगा इसमें, उसमें अगर वो ऑयल आगे मसालों के लिए भी ओके है, देन इसमें ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मगर हमारे पास देखिए बहुत ही कम ऑयल कढ़ाई में बचा है, तो इसलिए हम भिंडी निकालने के बाद इसमें ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। भिंडी मसाला बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। रोटी के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए। अब ये देखिए, हम इसमें, हमें थोड़ा सा इसमें ऑयल कम लग रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सा और ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होने देंगे। जब तक ये ऑयल गर्म होगा, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे 1/2 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें तीन लाल मिर्च बीच से दो हिस्सों में बांटे हुए डाल देंगे। इसे अब हम क्या चटकने देंगे, जीरा चटकेगा तब इसका फ्लेवर ऑयल में आएगा, रिलीज होगा ऑयल में। ये इसके बाद जब ये मिर्च थोड़ी ब्राउन होगी, उसके बाद हमने हरी मिर्च डाल दिया है। हरी मिर्च का भी हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें प्याज, हमने जो काट के रखे थे, टोटल तीन प्याज काटे थे, वो हम डाल दिए हैं। उसके बाद अब प्याज को हम भूनते रहेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। प्याज थोड़ा ब्राउन हो रहा है, अब आप देख रहे हैं। अब इसी समय पे प्याज, अब देखिए ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने पहले से फ्रिज में बना कर रखा है, इसे हम डाल देंगे। 2 स्पून हम डाल दिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये काफ़ी चेंज करता है टेस्ट को, काफ़ी अच्छा निखारता है। अभी इसमें हम बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे, इसका रॉपन जो है, कच्चापन जो है, वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लिए हम और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज गल रहा है, भुन रहा है, और इसके बाद भुनने दें। उसके बाद हम ये मसाले डालेंगे। एक स्पून मैंने डाला हल्दी। इसके बाद देखिए दूसरे मसाले, ये मैंने डाला जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून डाला है। उसके बाद हम 2 चम्मच डालेंगे, 2 स्पून डालेंगे आपका धनिया, डाल दिया मैंने। इसके बाद हम ये गरम मसाला पाउडर डाल दिए हैं, इसमें ऐड किया है। अब ये गरम मसाला के बाद हम ये काश्मीरी मिर्च, देंगी मिर्च भी बोलते हैं हम इसे, इसमें कलर ज़्यादा होता है, तीखापन कम होता है, इसे हम यूज करेंगे। ये सब्जी का मसाला का आपका पूरा कलर बहुत ही अच्छा निखारता है। ये देखिए, अब ये हमने मिक्स कर दिया है, मगर यहाँ पे मुझे लग रहा है एट ए पॉइंट कि हमें थोड़ा सा तेल और चाहिए इसमें, इसे भूनने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा कम ऑयल है, तो एट ए टाइम हम यहाँ पे अपनी ज़रूरत के अनुसार 2 स्पून ऑयल ऐड कर देंगे, इससे हमें भुनने में आसानी होगा। ये देखिए किस पर मैंने डाला, अभी मैं 2 स्पून डाल दिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे और
हल्की आँच, हमने ये टोटल जो आपकी रेसिपी बनाई है, बना रहा हूँ, ये हल्की आँच पे बनाई है। अब ये देखिए, इसे हम अच्छे से मिक्स कर दिए और इसे हम भूनते रहेंगे कि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, आपस में इसके फ्लेवर्स मिल जाए और ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर बने और टेस्ट बने। अब इसमें हम देखिए मसाला थोड़ा भुनने के बाद उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर ये 3 मीडियम साइज टमाटर मैंने चॉप करके रखे थे, इसे हम डाल देंगे और इसके बाद अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम भुनेंगे जब तक कि ये टमाटर गल ना जाए। टमाटर गल के ग्रेवी की टेस्ट ही चेंज कर देगी। और टमाटर आप गौर करते होंगे कि जिस सब्ज़ी में टमाटर पड़े हैं उसमें मसालापन जो होता है, केवल मसाले मसाले जो टेस्ट आते हैं वैसे नहीं आते, ये आपको को टेंडराइज कर देता है, मसाला को थोड़ा काटता है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से ये मसाला टमाटर प्याज आपस में अच्छी तरह से भून रहा है। अब इसी समय हम थोड़ा सा नमक, जो हमारा टेस्ट के अनुसार नमक डालना है वो हमने डाल दिया है। ये आपको टमाटर प्याज को भी गलाने का काम करता है। अब ये अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे जो हमने नमक डाला है और इसे पकाएंगे जब तक कि ये वायल रिलीज ना कर दें। देखिए, अब ये हल्की हल्की सी वायल रिलीज करने लगा, इसी समय पर हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए, हम इसे ढक्कन पकाने के बाद, अब ढक्कन हमने खोल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए वायर निकल रहा है, ये शो करता है कि आपका मसाला अब रेडी होने को है। अब ये मसाला हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें जो हमने फ्राई करके भिंडी रखे थे उसे हम डालकर मिक्स कर लेंगे। पूरे भिंडी मैंने डाल दिया है, फ्राई किया हुआ भिंडी, और इसे मिक्स कर लेंगे। ये हम मिक्स करके इसे थोड़ी देर और पकाएंगे हम हल्की आंच पे। भिंडी मसाला आप खाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत सिंपल और बहुत ही कम टाइम टेकिंग व्यंजनों में से एक है। ये सब्ज़ी तकरीबन हर कोई को पसंद आता है। आप किसी को भी दें, नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसे अब थोड़ी देर के लिए हम ढककर अच्छे से पकने देंगे, अबाउट 1 to 1.5 मिनट, 1 to 1.5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। देखिए, उसके बाद मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से हम ढककर पलट पलट के चला चला के हम इसे अच्छे से तरह से पकाएंगे और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट में लगेगा आपको बनने के बाद। देखिए, कलर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। उसे अच्छी तरह से हम भून कर पकाएंगे। इसे हम एक बार फिर से ढक देंगे। ढकने के बाद हम 2 मिनट के लिए फिर से ढक कर इसे पकने देंगे। जब ये खोलेंगे तो देखिए कितने अच्छे से फ्लेवर आएंगे और ये कलर ही बहुत ही अच्छा हो जाएगा और वायल रिलीज कर रहा होगा। ये देखिए, वायल रिलीज कर रहा है, बहुत ही अच्छी शो करता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से पका। फिर से एक बार ढककर हम पका देंगे 1 मिनट के लिए। ग्रेवी बहुत ही अच्छी, जो मसाला है वो बहुत ही अच्छा निकल जाएगा। अभी देखिए भिंडी कितनी सुंदर लग रही है, लग ही नहीं रही कि वही भिंडी है जो सिंपल भिंडी रहती है, जो किसी को पसंद नहीं आती है। और ये देखिए, ये मसाले वाला भिंडी हर कोई, बच्चे भी बहुत ही अच्छे से खाते हैं। ये देखिए कितना ही अच्छा कलर आया है, इसे बीच बीच में टर्न कर कर। और ये देखिए रेडी हो गई हमारी, कितनी अच्छी कलर आई है। ये देखिए, हमने प्लेटिंग कर दिया है इसे, कितना अच्छा लग रहा है ये डिश, बहुत ही शानदार लगता है। खाइए और दूसरों को खिलाइए। थैंक यू।